Karam prasannam jnana swarupam nijabodharupam yogendra medyam bhavaroga vaidyam Srimad Gurum Nityamaham Namah Yasyam Gripankaj Parag Paraprabhavat Bhutva Kriti Kritimatam Sritimacharam Tam Sadgurum Satata Sarva Sukham Shadagriyam Vande Sada Vimala Bodha Ghanam Vichitram Vandam Guru Pada Kanj Kripa Sindhu Nara Rupa Hari Mahamohatam Punja Jasu Vachana Ravikarnikar मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तोर तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर मंचस्थ सम्माननीय साधु समाज मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद माताओं तथा बहनों एक महीने से हम लोग अपने मानव जीवन को सफल और सार्थक बनाने के लिए शास्त्रानुकूल धर्मानुकूल महत्तम एवं पवित्रतम कर्म करते आ रहे हैं देखते ही देखते हमारे जीवन का यह परम मंगलमय सुअवसर आज परिसमापन की ओर है इस समापन सत्र में परम प्रभु परमात्मा में कितना सामर्थ्य है और परमार्थ तत्व के ज्ञाता परम संत में परम सद्गुरु में साधना का कितना बल है और उनके सिफारिश में कितना दम है आप इस प्रसंग में श्रवण करेंगे संत तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में एक स्थल पर लिखा है तुलसीदास यह जीव मोह रजु जही बांधे सोई छोड़े इस जीव को आसक्ति के बंधन में मोह के बंधन में ममता के बंधन में जिन्होंने बांधा है
उसी में ताकत है, मोह आशक्ति एवं ममता के बंधन से छुड़ाने का। परमात्मा स्वतंत्र हैं, जीव परतंत्र है, परतंत्रता के कारण, शरीर इंद्रियों के गुलाम होने के कारण, इसके द्वारा न जाने कितने शास्त्र विरुद्ध कर्म निरंतर होते रहते हैं और मनुष्य कृत एक एक कर्म उसके लिए बंधन का कारण होता है। सृष्टि के आदिकाल से अब तक न जाने कितने शुभाशुभ कर्म हमसे हुए हैं, शुभ कर्म सोने की बेड़ी है तो अशुभ कर्म लोहे की बेड़ी है। अनंत शुभाशुभ कर्म रूपी बेड़ियों से यह जीव बंधा हुआ है। इनकी इस कदर स्वतंत्रता छिन गई है कि यह अपनी मर्जी से शास्त्रानुकूल दृश्य को देख नहीं सकता। मन इसे न जाने किस किस दृश्य में फंसा ले जाता है। यह बंधन युक्त जीव शास्त्रानुकूल शब्द को सुन नहीं सकता। न जाने यह मन किस किस शास्त्र विरुद्ध शब्दों में इसे फंसा देता है। इसी प्रकार से समस्त इंद्रियों के द्वारा नहीं चाहते हुए भी असंख्यों अशुभ कर्म इस जीव से होते रहते हैं और इसी तरह यदि परतंत्रता की स्थिति बनी रही तो होते रहेंगे। कर्म करने में यह जीव स्वतंत्र है, करे चाहे नहीं करे, लेकिन कर्म का फल भोगने में यह स्वतंत्र नहीं है। कर्म का फल यह अपने से नहीं भोग सकता, जिस परमात्मा ने प्रत्येक कर्म का अलग अलग विधान बना रखा है। इस कर्म के करने से इसका परिणाम यह होगा, इस कर्म के करने से इसका परिणाम यह होगा, उस परमात्मा में ही सामर्थ्य है। वे चाहे तो माफ भी कर सकते हैं, चाहे तो दंडित भी कर सकते हैं। यदि मनुष्य शरीर पाकर इस जीव ने किसी संत महापुरुषों का आश्रय नहीं ले लिया, किसी महत्तम शक्ति का सहारा नहीं ले लिया, फिर तो इसे कर्म दंड भुगतना ही पड़ेगा और इस कदर भुगतना पड़ेगा कि इसके सारे होश ठिकाने आ जाएंगे और मनुष्य तन पाकर जिस जीव ने साधना की चोटी पर पहुंचे हुए संत सदगुरु का आश्रय प्राप्त किया, सहारा लिया और वे संत सदगुरु इस जीव के ऊपर कृपा करके इसके कर्म दंड से मुक्ति दिलाने हेतु परम प्रभु परमात्मा से यदि गुहार लगा दे, सिफारिश लगा दे, तो संत सदगुरु के सिफारिश में वह दम होता है कि परमात्मा अपने बनाए हुए कर्म विधान को उनके शिष्य के लिए बदल भी सकते हैं।
और आध्यात्मिक धर्म ग्रंथों का मैं समझता हूं यह पहला प्रसंग है जो आप लोग प्रतिदिन यहां सुन रहे हैं। आज तक जितने भी अपराधियों को महापुरुषों का श्राप प्राप्त हुआ है उस श्राप को भुगतना ही पड़ा है। श्राप काल को भुगत लेने के बाद भले ही उनको भगवान का दर्शन हुआ हो, भले ही उसे सुख शांति मिली हो, लेकिन आज तक का कोई ऐसा इतिहास नहीं है कि दंड में फेर बदल कर दिया गया हो। यह पहला इतिहास का निर्माण हुआ है। पहुंचे हुए संत सदगुरु में नई इतिहास बनाने की ताकत होती है। कल आपने सुना था भगवान शिव शंकर ने क्रुद्ध होकर काग भूषण जी को महाभयंकर श्राप दे दिया है। दुष्ट जो गुरु के साथ ईर्ष्या करते हैं, उनके साथ द्वेष भाव रखते हैं, उनका अपमान करते हैं, वे रौरव नरक में करोड़ों युग तक पड़े रहते हैं। उस रौरव नरक से निकलने के बाद भी उसको शांति नहीं मिलती है। त्रिजक योनि में 10,000 वर्ष तक रहना पड़ता है। त्रिजक योनि में 10,000 वर्ष दुख भोगना पड़ता है अथवा 10,000 बार त्रिजक योनि में उसे जन्म लेना पड़ता है। टेढ़े तिरछे चलने वाले को पशु पक्षी कीट पतंग को त्रिजक योनि कहते हैं। कितना कष्ट होता होगा उस योनि में कहा नहीं जा सकता। इतना भयंकर सांप काग भूषण जी महाराज को मिला है। भयंकर सांप को सुनकर काग भूषण जी थर थर कांपने लग गए। इनकी असह्य पीड़ा को देखकर गुरु के मन में बड़ी व्यथा हुई और अपने शिष्य के पीड़ा निवारणार्थ भगवान शिव शंकर से बड़े ही विनीत भाव में विनती की है। पवित्र संत की हुई विनती में इतना आकर्षण था भगवान शिव अति प्रसन्न हो गए और जो भगवान कुछ काल पूर्व ही भयंकर कोप की स्थिति में थे, क्रोध की स्थिति में थे, वे ही भगवान कुछ क्षण बाद ही इतने सरल हो गए, इतने सहज हो गए। महा प्रलय कर देने वाली स्थिति भगवान की थी और संत की करुण विनती में यह ताकत उस महत्तम क्रोध की स्थिति को उन्होंने बदल दिया। भगवान शिव शंकर प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के न जाने साप में कितना परिवर्तन ला दिया। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यद्यपि मैंने
काक वसुंड को कोप करके शाप दिया, मेरा वचन व्यर्थ नहीं जा सकता, परंतु तुम्हारी साधुता को देखकर मेरा हृदय पिघल गया है। मैं इनके ऊपर अवश्य ही विशेष कृपा करूंगा। काक भसुंड जी महाराज के अंदर कोई साधुता नहीं, दुष्टता की पराकाष्ठा थी, और उनके सदगुरु में साधुता की पराकाष्ठा। जीवन में साधुता आ जाए और साधुता की पराकाष्ठा आ जाए तो उस साधु पुरुष में इतनी ताकत हो जाती है, इतना दम हो जाता है, वे परमात्मा के बनाए हुए विधान को भी बदल सकता है। और कैसा विधान बदला है यह प्रसंग बतलाता है। भगवान शिव शंकर कहते हैं, मैंने इसे शाप दिया था कि 10,000 बार सर्प की योनि में तू अपने किए हुए पाप कर्म का फल भोगेगा, लेकिन हे महापुरुष, आपकी साधुता को देखकर आप इनके ऊपर कृपा करना चाहते हैं, इसीलिए मेरा दिल भी इनके लिए पिघल गया। अब 10,000 बार इसको सर्प की योनि में नहीं जन्म लेना पड़ेगा, मैं 9,000 बार जो यह जन्म लेगा उसको माफ कर रहा हूं। बस 1,000 बार सर्प की योनि में जन्म लेना पड़ेगा, आधा भी नहीं किए। 10,000 में से 1,000 बार सर्प की योनि में जाना पड़ेगा, 9,000 बार को क्षमा कर दिया। कितनी बड़ी दया हुई, लेकिन एक बार भी सांप की योनि में रहना कोई साधारण बात नहीं है। सर्प अपने ही जहर के मारे दिन रात जलते रहता है, शीतलता पाने के लिए, ठंडक पाने के लिए वह आकुल व्याकुल रहता है। 100% उनकी देह में डायबिटीज की बीमारी रहती है, जरा से भी झाड़ियों में चलने में, कंकरीले मार्ग पर चलने में शरीर में खरोंच आ जाए तो फिर दुनिया में उसका कोई इलाज नहीं हो सकता, उसको मरना ही पड़ेगा। तरप तरप करके वह मरता है, जरा से भी खरोंच आ जाए तो छोटी छोटी चींटी इस कदर काट काट करके उसको पीड़ित करती रहती है, वही समझता है। कछुआ और सांप बहुत कम श्वास लेता है, इसीलिए उसकी बड़ी लंबी आयु होती है। कहीं सुरक्षित स्थान पर वह रह नहीं सकता, कोई उसे रखना नहीं चाहता, भयंकर विष की ज्वाला से वह अंदर ही अंदर जलते रहता है। हवा पी पी कर उस ज्वाला को वह शांत करता है, और ऐसी परिस्थिति में इतनी लंबी आयु को लेकर बहुत दिनों के बाद उसके प्राण का अंत होता है।
एक बार सर्प की योनि में जन्म लेकर मरने तक में जीव को कितना कष्ट होता है वह जीव ही जानता है, और 10,000 बार सर्प की योनि में जाए संपूर्ण आयु कष्ट को भोगे, कितना कष्ट सामने आया है कहा नहीं जा सकता। उन महत्तम कष्ट में से 9,000 बार का जन्म लेना भगवान ने माफ कर दिया, लेकिन 1,000 बार जन्म लेकर मरना यह भी क्या कम है। भगवान शिव को बड़ी दया आई कि जन्म लेने में और मरने में बड़ा कष्ट होता है। सावन सिंह जी महाराज कहा करते थे, लोग मेरे पास आकर अपना दुख सुनाते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कौन बड़ा दुख हो गया जो मेरे पास सुनाने के लिए आ गए, यह कोई दुख है, यह तो बिल्कुल साधारण दुख है। जब से जन्म होता है जब तक आदमी मर नहीं जाता है, उस बीच में जितना कष्ट होता है सारे कष्ट को तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए, और जन्म लेते समय जो जन्म लेने वाले को कष्ट होता है उस कष्ट को दूसरे पलड़े पर रख दिया जाए, जन्म काल का कष्ट 10,000 गुना अधिक भारी पड़ जाएगा, संपूर्ण जीवन काल का कष्ट जितना होता है उससे 10,000 गुना अधिक कष्ट जन्म लेने के समय बालक को होता है। संपूर्ण जीवन काल में जितना कष्ट मनुष्य को होता है मरण काल में उससे 10,000 गुना अधिक कष्ट होता है। संपूर्ण जीवन काल में और जन्म मरण में जितना कष्ट होता है उससे 50,000 गुना कष्ट प्रत्येक क्षण में माता के गर्भ में जीव को होता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सहनम, ये जो तीन असह्य दुख हैं इसके सामने संसार का कोई दुख दुख नहीं है। जन्म लेते समय का दुख, मृत्यु काल का दुख, और माता के पेट की जठराग्नि के बीच जलने और पकने का दुख, इस दुख के सामने संसार का कोई दुख नहीं। बेटा बीमार हो गया दो आशीर्वाद, पेट में दर्द हो गया दो आशीर्वाद, मकान नहीं बना दो आशीर्वाद, दुकान नहीं बनी दो आशीर्वाद, नौकरी नहीं मिली दो आशीर्वाद, यह सब दुख कुछ भी नहीं है। आदमी उस महानतम दुख को भूल जाता है, छोटे छोटे दुख के निपटारा में ही लगे रहता है। संत महापुरुष कहते हैं संसार में आने और जाने का दुख, बारंबार माता के गर्भ में पकने का जो दुख है, ये दुख यदि समाप्त हो जाए तो महाप्रलय काल के आग में भी उसे बिठा दिया जाएगा फिर भी उसको दुख नहीं होगा। जन्म काल का दुख, मरण काल का दुख, गर्भ निवास का दुख, इससे बढ़कर दुनिया में कोई दुख नहीं होता है। हम लोग प्रतिदिन पाठ करते हैं आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। पेट के दर्द छुड़ाने के लिए भक्ति नहीं करनी चाहिए, पुत्र प्राप्ति के लिए भक्ति नहीं करनी चाहिए, शादी विवाह हो जाए इसके लिए भक्ति नहीं करनी चाहिए, दुनिया के तुच्छ से तुच्छ पदार्थों की आकांक्षा लेकर के भक्ति नहीं करनी चाहिए, इन्हीं सब में लगे रहेंगे तो महादुख जो सामने आने वाला है उससे निपटारा कभी भी नहीं होगा। इस शरीर में जन्म लेना, इस संसार में आना, दुख में आना है, माता के गर्भ में जाना महादुख में जाना है,
साधु संत महात्मा कहते हैं, जन्म मरण और गर्भवास का जो दुख है, इसके सामने संसार का कोई दुख नहीं। गर्भवास दुख विपुल वासना तीव्र विपत्ति विसराए, लाभ कहा मानस तन पाए। गर्भ काल में तीव्र विपत्ति, तीव्रतम दुख जीव को होता है। एक एक क्षण जीव को कल्प के समान बीतता है। लिखा हुआ है कुंभी पाक नामक नरक में जो कष्ट होता है, वही कष्ट माता के गर्भ में जीव को होता है। कुंभकार लोग आवे में कच्चे बर्तन को पकाते हैं, जब आवा सुलग जाती है तो चारों तरफ से इतनी ताप फैलती है कि उस आसपास में रहने वाले को पता चलता है। आवा जब अंदर से बहुत अच्छी तरह सुलग जाती है तो मिट्टी जो बर्तन के ऊपर चिपड़ दी जाती है, वह मिट्टी फट फट कर उसके अंदर से आग की लपट निकलती है। उस आग के बीच में वह कच्चा बर्तन जिस तरह से पकता है, उसी तरह से माता के पेट में बालक पकता है। उसी को कहते हैं कुंभी पाक नामक नरक। जैसे कुंभकार के अवे में कुंभ पकता है, उसी तरह से माता की जठराग्नि के बीच में यह जीव पकते रहता है। समझिए उस कष्ट के सामने संसार का कोई कष्ट है, लेकिन अभी हम लोगों को कुछ पता नहीं है। अरे ये महात्मा लोग तो ऐसे ही कहते रहते हैं, इस तरह की बातें करेंगे तो सब हमारे चेले हो जाएंगे और हरिद्वार मनी ऑर्डर भेजते रहेंगे। चेले बनाने की बात नहीं, इस मंच पर से जो भी बात होती है बिल्कुल सत्य होती है। तुलसीदास जी महाराज की वाणी में, ज्यों नारी अनुभवती प्रसव अति दारुण दुख उपजय, वय अनुकूल विसार सूल सठ पुनिखल पति भजय, मेरो मन हरिजु हठ न तजय। प्रसव काल में माता को बड़ी पीड़ा होती है, माता ही जानती है। उस समय माता बारंबार परमात्मा से प्रार्थना करती है, हे प्रभु यह विपत्ति टल जाए, फिर जीवन में कभी ऐसा कर्म नहीं करेंगे जिसके द्वारा पुनः इस कष्ट में आना पड़े। प्रसव काल में उस पीड़ा के मारे बारंबार प्रार्थना करती है, संकल्प लेती है अब ऐसा कर्म नहीं, अब ऐसा कर्म नहीं। परमात्मा की कृपा से प्रसव पीड़ा शांत हो जाती है, बालक का जन्म हो जाता है। बालक के लार प्यार में माता फंस जाती है और प्रसव काल के कष्ट को भूल जाती है। वह अनुकूल विसार सूल सठ, गर्भकाल की पीड़ा को भूल जाती है। पुनि खल पति ही भजे, फिर उसी काम में लग जाती है जिस काम के करने से वैसा ही दुख सामने आएगा। मेरो मन हरिजु हठ न तजे, हे प्रभु मेरा मन बड़ा हठिला है। गर्भकाल की उस महानतम पीड़ा को जब प्राप्त होता है तो क्षण क्षण में परमात्मा से प्रार्थना करता, महाराज बाहर निकालो बाहर निकालो। एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है, बाहर निकालोगे तो मैं आपका इतना भजन करूंगा कि दोबारा इस कष्ट में नहीं आना पड़े। जब भगवान की कृपा से उस महानतम कष्ट की घड़ी टल जाती है, समय अनुकूल हो जाता है, तो सब काम के लिए समय होता है लेकिन उसी काम के लिए समय नहीं होता है, भजन के लिए समय नहीं। पुनि खल पति ही भजय, मेरो मन हरिजु हठ न तजे। अभी आप लोगों को लग रहा है महात्मा ऐसे ही बोल रहे हैं, वह दिन दूर नहीं है, और दिन आए चाहे नहीं आए,
लेकिन वह दिन तो जरूर आएंगे। पुत्र आपको सुख देगा, वह दिन आए चाहे नहीं आए। नौकरी के मिलने से सुख होगा, वह दिन आए चाहे नहीं आए। इलेक्शन में जीत करके बहुत बड़े लीडर बन जाएंगे, वह दिन आए चाहे नहीं आए। दुनिया के और कोई दिन आए चाहे नहीं आए, लेकिन भजन किए बगैर ही यदि यह जीवन चला गया, वह दिन जरूर आएगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। वह दुखमय दिन अवश्य ही देखना पड़ेगा। जन्मने मरने और माता के गर्भ में बड़ी पीड़ा होती है। पहुंचे हुए संत सदगुरु की कृपा जिस शिष्य के ऊपर हो जाती है, जिस जीव के ऊपर हो जाती है, तो वही जीव इस महानतम कष्ट से बच सकते हैं। तुलसीदास, यह जीव मोह रजु जही बांध्यो सोई छोरे। संत सदगुरु की सिफारिश में इतना दम होता है कि परमात्मा अपने नियम को बदल देते हैं। अहो द्विज श्रेष्ठ, यद्यपि इनको मैंने घोर शाप दिया था, इनको 10,000 बार तो जन्म लेना ही पड़ता, लेकिन तुम्हारी साधुता को देखकर तू चाहता है किसका कल्याण हो जाए, मैं तो नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारी चाहना है तो तुम्हारा मान रखने के लिए। संत का मान भगवंत भी रखते हैं, सदगुरु का मान भगवंत भी रखते हैं, तुम्हारा मान रखने के लिए, तुम्हारी बात रखने के लिए। तुम जो चाहते हो कि इनका कल्याण हो, और तूने कह भी दिया, यही कर हो परम कल्याणा, सोई कर हो अब कृपा निधाना। इसका अब जिस तरह से परम कल्याण हो वह आप करो। आप इनका परम कल्याण करना चाहते हो तो जिनका कल्याण संत सदगुरु चाहे, उनका अकल्याण संसार में सृष्टि में कोई भी नहीं कर सकता है। 9,000 बार जन्म लेने और मरने से जो कष्ट होता है वह मैंने माफ कर दिया, इतनी बड़ी सजा, और भगवान माफ कर रहे हैं। जिन्होंने श्राप दिया वे ही आज माफ कर रहे हैं। अब 1,000 बार जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। गुरु जी कहते हैं, महाराज एक बार जन्म लेने और एक बार मरने में कितना कष्ट होता है। 1,000 बार यह जन्म लेगा और मरेगा, कितना कष्ट हमारे शिष्य को होगा। प्रभु इसके ऊपर भी ध्यान देना थोड़ा सा। भगवान द्रवीभूत हो गए और कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे साधु श्रेष्ठ, जन्मत मरत दुस्सह दुख होई। जन्मने और मरने में जो दुख होता है वह नहीं सहने लायक दुख होता, दुस्सह, नहीं सहने योग्य। मरणांतक पीड़ा तो होती है लेकिन वह मरता नहीं है, ऐसा दुख मरने लायक कष्ट होता है लेकिन वह मरता नहीं है। उसी कष्ट में बरसों वर्ष वह रहता है। आज भगवान इतने द्रवीभूत हो गए। गुरु कहते हैं, जन्मने मरने में बड़ा कष्ट महाराज, 1,000 बार आपने 9,000 बार तो माफ कर दिया, लेकिन 1,000 बार मेरे शिष्य को जन्मने मरने का दुख होगा। महाराज इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना। भगवान ने कहा, यही स्वल्पौ नहीं व्यापैते ही सोई। जन्म लेने में, मरने में, माता के गर्भ में रहने में जो दुस्सह दुख होता है, आपके कहने पर, ये कहता तो मैं नहीं माफ करता, आपके कहने पर वह भी मैं माफ कर रहा हूं। लेस मात्र भी जन्मने मरने का दुख इसको नहीं होगा।
इतना कहने पर भी गुरु के मुखारविंद को भगवान देख रहे हैं कि ज्यादा प्रसन्न नहीं हुए। इतना मैंने माफ कर दिया, फिर भी ज्यादा गुरु प्रसन्न नहीं। चलो अब तो जन्मने मरने का कष्ट खत्म हो गया। गुरु चुपचाप उदास होकर के सुन रहे हैं। भगवान ने कहा, भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में इस पापी का जन्म हुआ था। जन्म लेकर बहुत दिन वहाँ रहा, फिर मेरे पास उज्जैन आ गया। जैसे भी दिखावा के लिए भी किया, आखिर मेरा नाम तो लिया, मेरा भजन तो किया, जैसे तैसे भी हमारी भक्ति में इन्होंने अपना मन तो लगाया। अयोध्यापुरी में जन्म लेने के कारण उस पुरी के प्रभाव से और मेरी कृपा से अब मैं इनको आशीर्वाद देता हूँ, इनके हृदय में सृष्टि के कण कण में रमण करने वाले भगवान की भक्ति उत्पन्न ले लेंगे, इनके अंदर में भक्ति का जन्म हो जाएगा। अब गुरुदेव को थोड़ी प्रसन्नता हुई कि भगवान ने कह दिया कि इनके हृदय में भक्ति का जन्म हो जाएगा। अब भक्ति का जन्म जिस हृदय में हो जाता है, उस हृदय वाले के जीवन में कभी दुख प्रवेश करता ही नहीं। अब गुरुदेव का मुंह प्रसन्न हुआ, माफ कर दिया, चलो कोई बात नहीं, फिर यदि पापी करने लग जाए तो। भगवान शिव शंकर ने सर्प योनि में 10,000 वर्ष तक नहीं रहे, 10,000 जन्म नहीं रहे, 1,000 बार ही रहे, और 1,000 बार भी इनको जन्मने मरने का दुख नहीं हो, यह तो बिल्कुल साधारण सा वरदान भगवान ने दिया, दुख नहीं होगा। लेकिन फिर यदि यह दुख वाला कर्म करने लग जाए तो, फिर यदि इनसे पाप होने लग जाए तो, फिर जिस पाप के कारण इन्होंने इतना बड़ा भगवान से शाप प्राप्त किया, वही अशुभ कर्म करने लग जाए तो, भगवान ने माफ तो कर दिया। बहुत अपराधी जेल में जाते हैं, बेल हो जाता है हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, बहुत लोग पैर भी लगा देते हैं, बहुत कोशिश करके छुड़ा लेते हैं, छुड़ाते थे इसलिए कि इनको कष्ट नहीं हो, लेकिन छूटने के बाद फिर यदि वैसा ही पाप करने लग जाता है तो फिर दोबारा भी जाना पड़ता है। यह तो पूर्ण रूपेण छुटकारा नहीं, जीवन ऐसा बन जाए कि फिर उसे जेल का मुंह देखना नहीं पड़े, तब पूरी छुटकारा हुई। जब भगवान शिव शंकर ने कहा मेरे आशीर्वाद से, मेरी कृपा से इनके अंदर में परमात्मा की भक्ति का जन्म हो जाएगा। भक्ति का जन्म जहाँ होता है वहाँ पर कभी दुख का जन्म नहीं होता, यह मान लीजिए। एक दिन प्रवचन के क्रम में आप लोगों को सुनाया गया था, हनुमान जी ने लंका नगरी में भयंकर आग लगा दी, सारी नगरी जलने लग गई, हाहाकार मच गया,
लेकिन मैंने सुनाया था तीन जगह वह महाप्रलय काल के समान जो आग थी नहीं पहुंची, तीन जगह वह अग्नि प्रवेश नहीं कर पाई। पहली जगह विभीषण जी की कुटिया में, विभीषण जी कुटिया के अंदर क्या कर रहे थे? शतरंज खेल रहे थे। विभीषण जी कुटिया के अंदर में बैठ करके भगवान का भजन कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे। जहां भक्ति विराजती है वहां जीवन में दुख प्रवेश नहीं करता। यदि भक्ति करने वाले के जीवन में दुख प्रवेश कर जाए तो समझ ले कि जिस भक्ति से जीवन में दुख नहीं आता है वह भक्ति हम नहीं कर रहे हैं। आज भक्ति का आडंबर तो संसार में बहुत है, भक्ति भी कर रहे हैं रो भी रहे हैं। भक्ति सब कोई करे भरमना ना टरे, भक्ति जंजाल दुख द्वंद भारी, ब्रह्म चिन्ह नहीं ब्रह्म खोजत फिरे, ज्ञान के नेत्र क्यों फोर डारी। मैं देख रहा हूं सड़क होकर के हजारों हजार लोग चले जा रहे हैं, वे समझते हैं कि हाँ हम भक्ति करने के लिए आए, हम भक्ति कर रहे हैं, उज्जैन नगरी में सड़कों पर घूम रहे हैं, भक्ति हो रही है। क्या सड़क पर घूमने वाले से पूछिए धूप नहीं लग रही है, पैर नहीं जल रहा है, शरीर से पसीना नहीं छूट रही है, ताप नहीं लग रहा है, पूछिए उनसे। वे समझ तो रहे हैं कि हम अपनी नगरी को छोड़कर भगवान शिव की नगरी में आए हैं, लेकिन दुख से कहाँ निपटारा हुआ। भक्ति भी कर रहे हैं, भगवान शिव के दर्शन के लिए भी जा रहे हैं, स्नान के लिए भी जा रहे हैं, और इस प्रचंड ताप का दुख भी हो रहा है, कसम कस धीर में चले जा रहे हैं, वह भी किसी को अच्छा लगता होगा। भक्ति भी कर रहे हैं साथ साथ दुख का भी अनुभव कर रहे हैं। यथार्थ में जिस भक्ति के करने से साथ साथ दुख का भी अनुभव होता जाए, आप लोग कान खोलकर बढ़िया से सुनिए, वह केवल भक्ति का प्रदर्शन है, वह भक्ति नहीं है। आप कहेंगे आप कैसे यह बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, भगवान राम बोल रहे हैं, भगति तात अनुपम सुख मूला। हे मित्र, मेरी भक्ति जो है अनुपम सुख की जड़ है, सारे सुखों का जन्म हमारी भक्ति से ही होता है। कोई ऐसा सुख नहीं जो हमारे भक्त को नहीं मिलते हैं। भगति तात अनुपम सुख मूला, समग्र सुखों को जन्म देने वाली हमारी भक्ति है, लेकिन सुख प्रदायिनी भक्ति कहां से प्राप्त होती है। राम बोल रहे हैं, अब किसकी बात का हम लोग मानेंगे। मैं तो कभी कभी कह देता हूं हम लोग राम को मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते हैं, हम लोग कृष्ण को मानते हैं लेकिन कृष्ण की नहीं मानते हैं, हम लोग शिव को मानते हैं शिव की एक बात नहीं मानते हैं। ये नाटक है, शिव को माने और शिव की एक बात नहीं माने। शिव जी कह रहे हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। शिव जी अपना अनुभव बता रहे हैं कि सत हरि भजन, ईश्वर का भजन ही सत्य है, बाकी सब झूठ है, और हम केवल चाहते हैं कि पानी पिला करके भगवान की भक्ति प्राप्त कर ले। एक कमंडल पानी डाल दिए वहां भगवान के माथे पर और भगवान की भक्ति हो गई। 50 बिल पत्र भगवान के माथे पर रख दिए और भक्ति हो गई। अच्छा धूप चढ़ा दिए भगवान की भक्ति हो गई। भगवान की बात मानने को तैयार है, सब अपने अपने मन की बात मान रहे हैं।
ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा, मन की बात न मानो साधो, मन की बात न मानो रे, मन की बात को मत मानो। जितनी देर लोग इधर उधर भटक भटक कर ये मनुष्य जीवन का एक एक क्षण को बर्बाद कर रहे हैं, उतना समय यदि बैठ करके भगवान की बात को मान करके भजन करे तो दुख दारिद्र सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। और एक चौपाई सुना दो, एक से दिमाग ठंडा नहीं हुआ होगा। सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तज हो ही विषय अनुरागी। अब ठंडा हुआ कुछ दिमाग के नहीं। सुनहु उमाते लोग अभागी, वे मनुष्य भाग्यहीन हैं जो हरि तजी परमात्मा को छोड़कर अपने मन को विषय में लगाते हैं। संसार में जो आप जा रहे हैं क्या देखने के लिए जा रहे हैं? रूप ही तो देख रहे हैं, रूप विषय है। संसार में जो कुछ छूने के लिए जा रहे हैं क्या है वो? छूना क्या है? वो स्पर्श विषय है। आप विषय में मन लगा रहे हैं। धूप दीप जला करके आप जो खुशबू ले रहे हैं यह क्या है? यह गंध विषय है। क्या कहा जाए आप लोगों को? मंदिर में जो घंटी सुन रहे हैं वह क्या है? शब्द विषय है। और मंदिर से एक दिन मुंबई के सारे भगत आए थे, पता नहीं पंचामृत में भांग घोल दिया था, दूध भंगा। पंचामृत में, भगवान के चरणामृत में भी भगवान नशा घोल दिया था। अबे बेचारे, वो पी गए, भगवान का चरणामृत है उसको कैसे फेंका जाएगा? अब रास्ते में ही सब नशा में उन्मत्त हो गए, यहाँ आकर के उल्टियाँ करने लगे। यहाँ आने पर उसका नशा उतरा। रास्ते भर झूम रहे थे, खोपड़ी घूम रही थी। सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तज हो ही विषय अनुरागी। इस हाथ में कहाँ ताकत कि हम भगवान को छू लें? कैसे पागल लोग हाथ से भगवान को छूना चाहते हैं? मन तो छू नहीं सकता, बुद्धि छू नहीं सकती, हाथ से भगवान को टटोल रहे। बहुत दिन पहले एक ज्योतिर्लिंग के पास मैं भी गया, बहुत आग्रह किया भक्तों ने। शिवलिंग जो था उसके माथे पर मैं हाथ फेर रहा था, देखता हूँ इसे क्या होता है। हाथ घुमा रहा हूँ, कहाँ मेरे मन में कोई बदलाव आया। भगवान की खोपड़ी पर हाथ घुमा रहा हूँ, मन घूमता ही नहीं। हाथ घूम रहा है लेकिन मन नहीं घूम रहा है। ये बोलने वाले भगवान कृष्ण के बगल में अर्जुन कहता है, मन बड़ा चंचल है। अब पत्थर के बगल में खड़े होकर कोई चाहे कि मन स्थिर हो जाए। राम को रावण ने देखा, कहाँ रावण का मन बदला। कृष्ण को कंस ने देखा, कहाँ मन बदला। जिनका भी मन बदला है भजन करने से ही बदला। पापी ने भी तो भगवान को देखा। कुछ भक्त भगवान का भजन कर रहे थे और कुछ पापी भगवान से लड़ रहे थे, उसके लिए आप क्या कहेंगे बताइए? तो रावण देख रहा था, आपने तो कभी देखा भी नहीं होगा। जितने लोग यहाँ बैठे हैं कोई भी राम के आमने सामने कभी नहीं बैठे होंगे। रावण आमने सामने था, लड़ रहा था। आप लोगों को तो बड़ी भक्ति है भगवान में, वो तो लड़ रहा था राम से। एक दिन नहीं लड़ा, 18 दिन तक लड़ता रहा। 18 दिन में राम की भी हालत खराब हो गई थी। भगवान राम की हालत खराब हो गई, परेशान हो गए भगवान, ये पापी मर ही नहीं रहा है, अब क्या करूं?
सिर काट लेते हैं तुरंत सिर नया हो जाता, सिर काट लेते तुरंत नया सिर हो जाता। भगवान को चिंता हो गई, महाराज ये पापी मर नहीं रहा है। तो जब भगवान भी पापी से परेशान हो जाते हैं तो संत की तरफ देखते हैं। विभीषण जी संत थे, अरे विभीषण ये मरता क्यों नहीं पापी? तब विभीषण जी रास्ता बताए हैं, तब अग्नि बाण से भगवान ने रावण का वध किया है। विभीषण रास्ता बताए हैं, संत को ही पता है कि मन रूपी रावण कैसे मरेगा, राम से भी मन मरने को नहीं। रामायण में लिखा हुआ पढ़िए ना, रामायण का खाली पाठ करते हैं, मंगल भवना मंगल हरि, रामायण की सारी बात को ध्यान में लीजिए। भगवान राम परेशान हो गए रावण से, राम से रावण नहीं मरा है। तब विभीषण जी उपाय बतलाते हैं, नाभि कुंड पीयूष बस जाके, नाथ जियहिं रावण बल ताके। इनके नाभि में अमृत का वासा है, उसी अमृत के कारण यह जीवित है। जब तक इनके नाभि से अमृत का शोषण नहीं होगा तब तक यह नहीं मरेगा। विभीषण संत हैं, संत युक्ति बतलाते हैं ये मन रूपी रावण कैसे स्थिर होगा, मन रूपी रावण कैसे मरेगा। देख रहे हैं भगवान को, कंस भी देख रहा था, कितने राक्षस भगवान कृष्ण से लड़ लड़ करके मरे हैं, आमने सामने देख रहे हैं। ऐसा तो हमने अब तक देखा भी नहीं ना, आप लोग देखे होंगे। चलते फिरते खाते पीते हंसते बोलते सारे ज्ञान का उपदेश करते हुए भगवान के सामने भी न मन मरता न मन का विकार जाता। हम चाहते हैं पत्थर की खोपड़ी पर बिलपत्र रखें और निर्वाण पद प्राप्त हो जाए, क्या बुद्धि, पत्थर की पूजा करते करते बुद्धि पर पत्थर पड़ गई। जड़ की आराधना उपासना करते करते बुद्धि में जड़ता आ गई। भगवान शिव शंकर कह रहे हैं, बार बार बर मांगूं हर्ष देह श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। भगवान सत्संग की भीख मांग रहे हैं और हम लोगों को सत्संग अच्छा नहीं लगता, हम सड़कों पर धक्के खा रहे हैं। हम लोग भगवान की नहीं मानते हैं। हाँ बड़ी श्रद्धा है कि भगवान है, भगवान भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान की एक बात मानने को तैयार नहीं। हम तो कहते हैं आप भगवान को नहीं माने लेकिन भगवान की बात को मान लें तो भगवान आपके सामने बिना बुलाए आएंगे। सबरी कहाँ गई थी बताइए तो, सबरी कहाँ गई थी, किस कुंभ में नहाने के लिए सबरी गई थी? विदुरानी किस कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए गई थी? ये जटायु गिद्ध किस कुंभ में नहाने के लिए गया था? जितने बंदर भालू तर गए कृत कृत्य भय सब वानर रहे, वे किस कुंभ में नहाने के लिए गए थे? पत्थर बनी अहल्या किस कुंभ में स्नान की थी? यमला अर्जुन वृक्ष किस कुंभ में नहाने के लिए गए थे? जितने भक्तों के उद्धार के विषय में निस्तार के विषय में धर्म ग्रंथों में पढ़ते हैं, किस तीर्थ में वो जाकर के प्राण का त्याग किया था, सबका उद्धार हो गया, कहाँ गए थे वे लोग? सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तज हो ही विषय अनुरागी। वे मनुष्य महाभाग्यहीन हैं जो भगवान के भजन को छोड़कर अपने मन को विषय में लगाते हैं। मन के कहने पर वे भजन कर रहे हैं, मन कहता है यहाँ चलो तुरंत चल पड़ते हैं, मन कहते हैं यह करो तुरंत करने लग जाते हैं, मन कहते हैं यह बोलो तुरंत बोलने लग जाते हैं। मन के कहने पर हमारी भक्ति हो रही है, संत के कहने पर हम कहाँ भजन करते, शास्त्र के कहने पर हम भजन कहाँ करते। हम मन के कहने पर सब कुछ कर रहे हैं।
जो मन के कहने पर भजन करते उनको देख देख करके भी कभी कभी हम भजन करने लग जाते हैं, महाराज सब जा रहे हैं तो इसलिए हम भी जा रहे हैं। रात में बहुत भक्त गए थे स्नान करने के लिए, 11:30 बजे निकले, यहाँ से 11:30 बजे निकले और उसके बाद आए कब, मैंने देखा उनको 4 बजे सुबह में, महाराज अभी आया हूँ, मेरे मन में तो हो रहा था कि आप नहा धो करके 5 घंटे में आए, थोड़ा सा जीभ से आपके देह को हम चाट लेते हैं, हमारा भी उद्धार हो जाएगा। अरे महाराज, मैंने कहा मैं ही एक ऐसा पापी शिविर में जो 1 महीना हो गया कभी स्नान करने को नहीं गए न किसी के दर्शन करने के लिए गए, सबसे बड़ा पापी मेरे प्रवचन को सुनने के लिए इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, आप सुनाएंगे तो आपका कोई भी नहीं सुनेगा, जो स्नान कर कर के आ रहे हैं दर्शन कर कर के आ रहे हैं वे मेरे बगल में मंच पर बैठ कर के उपदेश देने लग जाएं, 10 मिनट में पंडाल के लोग जयकारा बोल देंगे, चुप हो जाओ महाराज को बोलने दो। अरे महाराज तो 1 महीने में भी नहीं नहाया, 1 बार भी दर्शन करने को नहीं गया, इनके प्रवचन को सुनने के लिए सब लाइन में खड़े हो, नहाने धोने दर्शन करने वाले की बात मानने को तैयार नहीं, यहाँ पर क्या जवाब दीजिएगा बताइए। तो जो दर्शन करके आए हैं उनका 5 मिनट भी कोई प्रवचन यहाँ नहीं सुनेगा, प्रमाण देगा कि हम नहा करके आए हैं दर्शन करके आए हैं, सुनो मैं बताता हूँ, कोई सुनने को तैयार नहीं होगा, बहुत बढ़िया किया नहा करके आ गया दर्शन करके आ गया, घर में जा करके सुना देना बहुत बड़े धर्मात्मा हो, लेकिन यहाँ तो हम उनकी सुनेंगे जो न कभी दर्शन किया है न स्नान किया है। हाँ आज मैंने 5 नदी का नाम ले लिया था 1 बाल्टी में, शिप्रा माता की जय, नर्मदा माता की जय, गंगा माता की जय, यमुना माता की जय, सरस्वती माता की जय, पानी 1 बाल्टी खोपड़ी पर डाल लिया, बस हो गया इतना ही स्नान हमारा, शाही स्नान, शाही स्नान कर लिया, सब नदी का नाम ले लिया। भगवान की बात मान लेंगे घर बैठे सारा स्नान हो जाएगा। उड़िया बाबा से वृंदावन में दक्षिण भारत के बहुत सारे भक्तों ने कहा, महाराज हम बहुत दूर में रहते हैं, गंगा जी हम लोगों के शहर से बहुत दूर है, उत्तर भारत में गंगा बह रही है, हम दक्षिण भारत में रहते हैं और बहुत पैसे वाले भी नहीं हैं, गरीब लोग हैं, किसी तरह जीते हैं, आप तक पहुँचे हैं, महाराज कोई ऐसा उपाय है दक्षिण भारत में रहते हुए भी हमें गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो। उड़िया बाबा ने कहा, सुनो तूने मेरे से दीक्षा तो ग्रहण किया है। हाँ महाराज आपसे मैंने दीक्षा ग्रहण किया है। दीक्षा के समय मैंने किसका नाम लेने के लिए बतलाया है? भगवान का नाम। कितना अक्षर का नाम है? का 2 अक्षर का नाम है। उड़िया बाबा ने कहा, जो भक्त नित्य नियम से चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते उस नाम का स्मरण करते हैं, उनको 2400 घंटे गंगा स्नान करने का घर में ही पुण्य प्राप्त होता है, और उस पवित्रता का आपको अनुभव होगा, यहाँ बिना अनुभव की बात नहीं होती है। आप चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते
संत के बताए हुए नाम का स्मरण करते रहे। आप अपने मन की स्थिति का अनुभव करेंगे, आपका मन क्या कह रहा है। आपका मन किसी भी इंद्रियों को पाप करने की प्रेरणा नहीं देगा। पतित पावन सीताराम कहा जाता है, आपका मन पाप करने के लिए नहीं कहेगा। आप करके देखिए। और मैं तो हरिद्वार में देखते ही रहता हूं, माताओं को स्नान करने के लिए अलग घाट है, पुरुष को स्नान करने के लिए अलग घाट है, पुरुष के सामान की चोरी करने के लिए पुरुष चोर है, महिला के सामान को चोरी करने के लिए महिला चोरिन है। दोनों महिलाएं जब स्नान करने के लिए घुसती हैं तो उसके साथ वो महिला चोरिन भी गंगा में घुसती है। महिलाएं डूब लगाती हैं, उनके कान में सोने की बाली है, गर्दन में सोने की चैन है, बस वो डूब लगाते हैं गंगा में पाप धोने के लिए। और वो चोरिन जो है उनके चैन उनकी बाली को किस कदर तोड़ लेती हैं उसको पता नहीं चलता। हंसते हुए गए थे पाप धोने के लिए और पाप धो करके रोते हुए आश्रम पर आते हैं। महाराज आज तो मेरा सत्यानाश हो गया, क्या हो गया, सारा माल ले गया। कब ले गया मुझे पता भी नहीं चला, कहाँ ले गया, गंगा जी में। गंगा जी में इतनी बड़ी चोरी हो गई। यदि डूब लगाने से पाप से छुटकारा मिल जाता तो चोरी करने की प्रवृत्ति ये क्या है, इसको पुण्य कहेंगे कि पाप कहेंगे। शहर का लोग जितना पाप नहीं करता उससे ज्यादा पाप तीर्थ के लोग करते हैं, और तीर्थ के लोग जितना पाप नहीं करते उससे ज्यादा पाप तीर्थ में जो मंदिर होता है उस मंदिर में बैठे हुए लोग करते हैं। और मंदिर में रहने वाले जितना पाप नहीं करते उससे ज्यादा पाप मंदिर बनवाने वाले करते हैं। अब मंदिर बनवाने वाले जितना पाप नहीं करते उससे ज्यादा पाप मंदिर के महंत करते हैं। ज्यादा करके देखिए, बहुत महंत जेल में हैं, भगवान को बेच देते हैं। बढ़िया बढ़िया धातु की मूर्ति यदि मंदिर में है तो उस मूर्ति को बेच देते हैं। कई एक महात्मा जेल में है, हाई कोर्ट में केस चल रहा है। अयोध्या जी में बहुत मूर्तियां बिक चुकी हैं, 18-18 करोड़ की मूर्तियां अमेरिका वालों को दे दिया, इंग्लैंड वालों को दे दिया, पकड़ा गए, अब जेल में सर रहे हैं, हाई कोर्ट में केस चल रहा है। अब इससे बड़ा धर्मात्मा कौन हो सकता है, पूरे मंदिर के मालिक, सारी दुनिया पूजा कर रही है, जिसकी पूजा करके वो महंत बना हुआ है उस भगवान को बेच दिया। ऐसा भी पापी दुनिया में कहीं मिलेगा भगवान को बेचने वाला। एक पापी को तो मैंने देखा, रात में ही पार्वती जी की स्थापना हुई थी, संगमरमर का पत्थर, वो मकराना का पत्थर था, 17,000 में छोटी सी प्रतिमा लेकर के स्थापना कराया था, और उस चोर ने रात में ही पार्वती जी को उखाड़ ले गया, संयोग से पकड़ा गया। उसी चोर के माथे पर पार्वती जी को रख दिया और डंडा से पीटते हुए थाना लेकर के जा रहा है। दुनिया देख रही है उसके माथे पर पार्वती जी, डंडा नीचे से बरस रहा है, थाना लेकर के जा रहा है, माथे पर पार्वती जी हाँ, और उसकी ये दुर्दशा। यह है धर्म, माथे पर पार्वती जी, माथे पर शिव जी, नीचे डंडा पड़ रहे हैं, थाना घसीट करके लेकर के जा रहे हैं। थाना में क्या सब होगा वो वही जानेगा।
सुनहु उमा ते लोग अभागी हरि तज होहि विषय अनुरागी। भगवान के भजन को छोड़कर भर जी विषय में लिप्त हो रहे हैं, जो जो मन कह रहा है सो कर रहे हैं, जो जो मन कह रहा है। संत के कहे अनुकूल करते तो कल्याण हो गया होता, सदगुरु के कहे अनुकूल चलते तो कल्याण हो गया होता, शास्त्र के कहे अनुकूल चलते तो कल्याण हो गया होता। ये पापी मन जो कह रहा है, पापिनी इंद्रियां जो कह रही हैं, उनके कहने पर अधर्म को धर्म मान रखे हैं, धर्म को अधर्म मान रखे हैं, करते चले जा रहे हैं और परिणाम सबके जीवन में है। कितने भक्त रोज मेरे पास आकर के 1000 दुख सुनाते हैं, इतना सब कुछ करने पर भी दुखी सुना रहे हो। विभीषण जी की कुटिया में आग नहीं घुसी, आप बताइए। लंका ऐसी नगरी जहां 10 खरब राक्षस रहते थे, इतना अनाचार अत्याचार दुराचार उस नगरी में। आप किसी भी धर्म ग्रंथ में से हमको बतला दीजिए, उस नगरी में रहने वाला विभीषण रोटी के लिए कभी रोया है? पत्नी के लिए, बेटा के लिए, मकान के लिए, दुकान के लिए, किसी भी चीज के लिए रोया है? बताइए तो आप, कहीं से दीजिए प्रमाण। किसी भी राक्षस के उपद्रव से वह दुखी हुआ है? दीजिएगा प्रमाण। रावण ने चरण का प्रहार किया और विभीषण जी चरण को पकड़ लेते हैं, कहते हैं आप हमारे पिता के समान हैं, भले ही आपने मुझे दंड दिया, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ भगवान का भजन किए बिना भैया आपका कल्याण नहीं होगा, मान जाओ। नहीं माना, उन्होंने कह दिया कि परमात्मा ने संकल्प ले रखा है रावण के वध का, इसीलिए यह पापी मेरी बात को नहीं मान रहा है। जो साधु की बात को नहीं माने उनके पास कभी भी नहीं रहना चाहिए। और लंका का उन्होंने त्याग कर दिया। विभीषण जी के पास आग नहीं पहुंची, यानी संसार का दुख नहीं पहुंचा। दूसरी जगह कुंभकर्ण की पत्नी हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, महाराज मेरे पति सोए हुए हैं, यदि आग उस घर में प्रवेश करेगी उसकी नींद टूट जाएगी। आपसे हमारी प्रार्थना है जिस महल में मेरे पति विश्राम कर रहे हैं उस महल में यह आग प्रवेश नहीं करे। पतिव्रता नारी के पातिव्रत धर्म में इतनी ताकत है कि महाप्रलय काल की आग को रोक दिया, आग नहीं प्रवेश की। तीसरी जगह सुनिए, अशोक वाटिका में जिस अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हुई थी वहां भी आग नहीं पहुंची। अशोक के नीचे मैया सीता है, आग नहीं पहुंची। क्यों नहीं आग पहुंची वहां? सीता साक्षात भक्ति है, साक्षात भक्ति स्वरूपा सीता है। जहाँ भक्ति विराजती हैं वहाँ दुख जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता है। जहाँ पाखंड का निवास होता है वहाँ सारी दुनिया का दुख पहुँच जाता है, जहाँ भक्ति विराजती हैं वहाँ जीवन में दुख नहीं प्रवेश कर सकता। अब भक्ति विराजने का मतलब क्या है? भक्ति विराजती है तो इसके माथे पर सिंह हो जाता है, मूछें लंबी लंबी हो जाती हैं, उनकी शरीर की आकृति बदल जाती है। भक्ति का क्या स्वरूप है? सुबह भी मैंने संकेत किया था, सुनने वाला है कहाँ? भक्ति का क्या स्वरूप है? सीता माता अशोक वृक्ष के नीचे किस तरह से बैठी हुई है?
आसन लगा हुआ है, शरीर मस्तक गर्दन सीधा है, आंख मुंह बंद है, नाम पाहरु दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्र त जाहि प्राण कहि बाट। सिर के सारे बाल जटा के रूप धारण कर लिए थे, दोनों आंखों से आंसू की धारा बह रही है और मुंह से केवल हे राम हे राम हे राम हे राम। दृष्टि भगवान की ओर, जिस भगवान में उनका प्रेम था उस भगवान श्री राम की तरफ दृष्टि है और भगवान का नाम अंदर ही अंदर ले रही है। नाम पाहरु दिवस निशि, दिन रात हे राम हे राम हे राम हे राम, खाना पीना सोना जागना सब खत्म। सांसारिक भोग का उन्होंने त्याग कर दिया, ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी खीर बनाकर इंद्र के हाथ से प्रतिदिन भेजते थे, लेकिन देवराज इंद्र के हाथ में जो खीर थी उस खीर की तरफ माता सीता देखती भी नहीं थी। जब तक इस नेत्र से राम का दर्शन नहीं करूंगी तब तक संसार की तरफ मैं देख नहीं सकती। राम का दर्शन हो जाने के बाद फिर संसार दिखता भी नहीं है। पहले राम का दर्शन, उसके बाद और कुछ देखा जाएगा। इतना वैराग्यमय जीवन, यह है भक्ति का स्वरूप। जो भगवान के लिए, अपने इष्ट के लिए, अपने आराध्य देव के लिए समग्र भोगों का परित्याग कर दिया और निरंतर उसी के चिंतन में, निरंतर उसी के स्मरण में, जिनके सारे समय बीतते हैं, दिन रात का कभी पता नहीं चलता है, यह है भक्ति का स्वरूप। और उस भक्ति में इतना आकर्षण कि भगवान राम 100 योजन विस्तार वाला समुद्र को पार कर वहां पहुंच गए। भक्ति को सताने का प्रयास करने वाला जितना दुष्ट था सबका संहार कर गए, अर्थात दुख देने वाले को खत्म करके सुखदायक भक्ति में लीन रहने वाले भक्ति को अपने बगल में बिठा करके परम धाम रूप अयोध्या में भगवान पधार गए। तो जहां भक्ति विराजती है, यही भक्ति का स्वरूप है जो बतलाया गया। इस तरह का जीवन हो फिर देखिए, आपको भगवान के पास जाना नहीं पड़ेगा। भक्ति में वह ताकत होती है कि भगवान ही उनके पास आते। मैं गया था अमरनाथ गुफा से थोड़ा नीचे, पंजाब के एक भक्त भंडारा लगाए हुए थे, मुझे बुलाया था शिव पुराण की कथा सुनाने के लिए। हम वहाँ कथा सुनाते थे, वहाँ के कुछ भक्त मेरे से कहने लगे कि महाराज आप नहीं जाओगे भगवान का दर्शन करने के लिए। गुफा के पास ही मैं रहता था, सारी दुनिया जा रही थी। मैंने कहा जिनके भगवान एक जगह बैठे हुए हैं वे जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। हम शिव पुराण की कथा सुनाते हैं, भगवान शिव के स्वरूप का वर्णन सुनाते हैं। हमारा भगवान शिव कोई ऐसी जगह जहां नहीं है। तीर्थे दानी जपी यज्ञ काष्ठे पाषाण के सदा शिवम पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठिते। अज्ञानी लोग संसार में शिव को ढूंढ रहे हैं, पत्थर में पानी में जहां तहां खोज रहे हैं।
हमारे शिव तो देह प्रतिष्ठित है, हमारे देह में अनाहत चक्र के देवता कौन है बताइए तो? भगवान शिव है। आज्ञा चक्र के देवता कौन है बताइए तो? भगवान शिव है। वो चक्र हमारे अंदर में ही है तो भगवान कहाँ है? और जो उनका दर्शन करेंगे वो कहाँ है? दृष्टा और दृश्य दोनों एक ही जगह, और फिर दर्शन के लिए कहाँ कहाँ जा रहे हैं? और साल में डेढ़ दो महीने के लिए यात्री लोग वहाँ जाते हैं पूजा करने के लिए। मैंने एक से पूछा कि बारह महीने पूजा क्यों नहीं करते हो? महाराज, साल में एक बार वहाँ शिवलिंग अपने आप बनता है, बर्फ जम जाता है। पता नहीं कोई मुसलमान ही जा करके छाँट छूट करके शिवलिंग की आकृति बना देते हैं, ऐसा भी मैंने सुना है। खैर जो हो, भगवान जाने, कहते हैं शिवलिंग की आकृति बन जाती है। हर साल भगवान का जन्म होता है, और किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है कि शिव का भी जन्म होता है। चलिए शिवलिंग बन गया, दो महीने के बाद पूजा क्यों नहीं करते? शिव जी गल करके पानी में मिल गए, शिवलिंग खत्म हो जाता है, पूजा बंद हो जाती है। बीच में बताया कि गर्मी के पड़ने से 5 फुट शिवलिंग कम हो गया है, 18 फुट के शिवलिंग प्रकट हुए थे और हर एक दिन में आधा फुट, आधा इंच, 2 इंच, 4 इंच घट रहे हैं। घटते 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 एक दिन भगवान खत्म हो जाते हैं और बस यात्रा बंद हो जाती है। कुछ भी अकल का प्रयोग नहीं करता आदमी, दिमाग खत्म हो गया आदमी का। जहां भगवान ही 2 महीने में गल जाते हैं, वहां भगत की क्या हालत होगी बताइए? भगत बचेगा? यह बात सत्य है कि झूठ है बताइए कोई? यदि हम ये बात झूठ बोलते हों तो मेरे पास आकर के कहे कोई आप झूठ बोल रहे, ऐसा नहीं होता है। हमको कैसे झूठ बना देंगे? हम तो वहीं 10 दिन कथा सुना कर गए। प्रतिवर्ष शिवलिंग बनता है और प्रतिवर्ष वह शिवलिंग गलते 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 खत्म हो जाता है, और उसके बाद जो है पूजा खत्म हो जाती है। मैंने कहा हम हरिद्वार से चलकर आए हैं यहाँ भगवान की कथा सुनाने के लिए, लगभग 800-900 किलोमीटर की दूरी तय करके आए हैं। अब भगवान यहाँ से थोड़ी दूरी पर हैं, इतनी दूर भगत आया है, अब थोड़ा भगवान भी आया, अब भगवान को यहाँ आना पड़ेगा। यदि भगवान का यह वचन सत्य है, बार बार बर मांगो हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनपाइनी भगत सदा सत्संग, भगवान को आना पड़ेगा। जिस सत्संग की महिमा पर इतना भगवान बोले हैं, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिन हर कृपान होई सो गावहि वेद पुराण, तो भगवान नहीं आएंगे यहाँ। हम तो आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं, और कोई भगवान कथा में आए चाहे नहीं आए, सत्संग में और कोई भगवान आए चाहे नहीं आए, लेकिन 2 भगवान की बड़ी श्रद्धा कथा में किसी न किसी रूप में हनुमान जी जरूर आते हैं, किसी न किसी रूप में भगवान शिव जरूर आते हैं। उन्हीं की कृपा से सबका यहाँ कल्याण हो रहा, इतनी शांति से बैठे हुए हैं। फिर भी मैंने देखा है दुनिया के भगत बिना देखे मानने को तैयार नहीं। इधर हनुमान जी की मूर्ति है और इधर महाकाल की मूर्ति है, करो दर्शन। इधर देखिए महाकाल का चित्र मैंने लगा रखा है। यदि महाकाल हैं तो यहाँ भी हैं। फिर यदि आप कहिए कि 2-4 महाकाल हैं, फिर जाइए। महाकालेश्वर भगवान यदि एक ही हैं
इतना स्पष्ट आप मंदिर में भी नहीं देख सकते जितना स्पष्ट कि यहाँ देख सकते हैं। वहाँ तो आपको 15-20 फुट की दूरी पर से ही दर्शन कराएगा, पानी यहाँ डालिए पानी वहाँ चला जाएगा, दूर से दर्शन करिए। यहाँ तो आप छू सकते हैं भगवान को, जीव से चाट सकते हैं भगवान को, सीने से लगा सकते हैं, जिस कदर भगवान से प्यार करना चाहें उस कदर प्यार कर सकते हैं। यहाँ पर लगा हुआ है, हम तो यहाँ भी नहीं गए किसी दिन, हमारे जैसे पापी दुनिया में कोई नहीं, यहाँ भी हम नहीं गए। हमारी तो श्रद्धा है शिवे देहे प्रतिष्ठिते, शिवे देहे प्रतिष्ठिते, हमारी यह श्रद्धा है। आने जाने की प्रक्रिया तो माया में होती है, आने जाने की प्रक्रिया जब बिल्कुल खत्म हो जाती है तब ब्रह्म दर्शन की बात होती है। जब तक मन चल रहा है, आंख चल रही है, हाथ पैर चल रहा है, इंद्रियां चल रही हैं, चेतन प्रवाहित हो रहा है, जब तक ये सब क्रियाएं हो रही हैं तब तक तो दर्शन की बात बहुत दूर है। जब इंद्रियों की गति कुंठित हो जाती है, विकार सारे मर जाते हैं, विषयों की वासना स्वाहा हो जाती है और जड़ के सारे आवरण नष्ट हो जाते हैं, बिल्कुल चैतन्य अवस्था प्राप्त हो जाती है, उस अवस्था में जो दर्शन होता है उसी को शिव दर्शन कहें, ब्रह्म दर्शन कहें। और उस दर्शन का तो ऐसा आनंद होता है, आग में भी बिठा देगा तो दर्शन के आनंद कम नहीं होंगे। जागृत में कौन कहे सपने हूँ नहीं दुख द्वैत दर्शन, बात कोटि को कहे स्वप्न में भी दुख और द्वैत का दर्शन नहीं होगा। जिस भजन से ऐसा दर्शन होता है, भगवान शिव शंकर ने काकभूषण जी के लिए उनके गुरु से कहा कि इनके अंदर में भक्ति का जन्म होगा। गुरु जी बड़े खुश हो गए, बहुत खुश हो गए गुरु जी, बस मैं इतना ही चाहता था हमारे शिष्य के अंदर में भक्ति का जन्म हो जाए। आपने यह कह दिया, मैं संतुष्ट हो गया। गुरु प्रसन्न हो गए, गुरु को प्रसन्न होते देखकर फिर भगवान शिव शंकर काकभूषण जी से कहते हैं, सुनु मम वचन सत्य अव भाई, हरि तोषण व्रत द्विज सेवकाई। हे काकभूषण, मेरा सत्य सत्य वचन अब सुनो। यद्यपि भगवान तो झूठ बोलते ही नहीं, आदमी का कोई भरोसा नहीं, भगवान कहते हैं मेरा अब सत्य वचन सुनो। हे भाई, मेरा सत्य वचन सुनो, यदि परमात्मा को प्रसन्न करना चाहते हो, यदि ईश्वर को खुश करना चाहते हो, ईश्वर को प्रसन्न कर लेने वाला, परमात्मा को प्रसन्न कर लेने वाला यदि कोई दुनिया में कोई भक्ति है, व्रत है, उपवास है, पूजा है, पाठ है, तो ऐसे संत के चरणों की सेवा। मैं सत्य वचन बोलता हूँ। द्विज का अर्थ क्या होता है? जिसका दोबारा जन्म हुआ हो। जनेऊ पहनने वाले तो बस ऐसे ही काम चलाओ द्विज हैं, असली द्विज उसको कहते हैं जिसका दूसरा जन्म हो गया है। एक बार तो शरीर में उसका जन्म हुआ, अब भजन के द्वारा दूसरी बार भगवान के दरबार में उनका जन्म हो गया। इस घर से अब भगवान के घर में भजन करके पहुंच गया, दूसरा जन्म भगवान के घर में जन्म हो गया, ईश्वर के धाम में जिनकी पहुंच हो गई उसको द्विज कहते हैं, उसी को संत कहते हैं। हे काकभूषण, अब इतना अपनत्व दिखला करके भगवान कहते हैं, सुनो मम वचन सत्य अव भाई। अब भाई कहने लगे, हे भाई अब मेरा सत्य वचन सुनो,
यदि मुझे खुश करना चाहते हो, मुझे प्रसन्न करना चाहते हो, माला जपते जपते कुंभ में मर जाओगे, मैं खुश नहीं हो पाऊंगा। छिप्रा में स्नान कर करके मैल भी धो लोगे, शरीर को भी यदि धो लोगे, उसी में गल कर खत्म हो जाओगे, फिर भी मुझे खुश नहीं कर पाओगे। सारी दुनिया मेरे नाम पर भटक भटक करके मर जाओगे, फिर भी मुझे खुश नहीं कर पाओगे। हरि तोषण व्रत द्विज सेवकाई, मुझे प्रसन्न कर लेने वाला, मुझे खुश कर लेने वाला, ईश्वर को आनंदित कर देने वाला यदि कोई व्रत है, कोई पूजा है, कोई पाठ है, कोई भजन है, तो द्विज सेवकाई ऐसे जैसे तुम्हारे गुरु हैं, इस तरह के गुरु की सेवा, इस तरह के संत की सेवा करने से ही मैं प्रसन्न होता हूं, दूसरा कोई उपाय नहीं। आज अंतिम दिन का सत्संग है, अंतिम सत्र है, इसलिए अंतिम बात में कह दिया, परमात्मा को प्रसन्न कर लेने वाला, ईश्वर को प्रसन्न कर लेने वाला, ईश्वर को अपने कृत कर्म से संतुष्ट कर लेने वाला यदि कोई भक्ति है, यदि कोई सेवा है, यदि कोई व्रत है, यदि कोई संकल्प है, संत की सेवा, पहुंचे हुए संत की सेवा, पहुंचे हुए सदगुरु की सेवा, ढोंगियों की सेवा नहीं। जिस संत में पत्थर से भी ब्रह्म को प्रकट कर देने की ताकत है, देखिए पत्थर बोल रहा है। आज रोज सब जाते हैं मंदिर में, कहां वो बोलता है, लेकिन उस संत की ऐसी महिमा कि आज उस मंदिर में पत्थर बोल रहा है, पत्थर में जो चैतन्यता का संचार कर दे उसको संत कहते हैं, जड़ता में जो चैतन्यता का संचार कर दे उसको संत कहते हैं। ऐसे संत जो पत्थर में ब्रह्म को प्रकट कर दे, प्रहलाद ने प्रकट करके दिखला दिया। मीरा गई अयोध्या, सारी दुनिया अयोध्या जा रही है, भगवान राम के मंदिर में पहुंचती है। मीरा का व्रत था कि मैं भगवान कृष्ण को छोड़कर कहीं नहीं सिर झुकाऊंगी। राम की मूर्ति सामने है, सारी दुनिया देख रही है कि मीरा आई है, लेकिन सिर नहीं झुकाती है। मीरा कहती है, हे प्रभु, आपको पता है कि मीरा अकेली है, मीरा के साथ और कोई नहीं, सारी दुनिया से भटक भटक करके मीरा आपकी शरण में आई है, और आप अपना रूप बदल करके मेरे सामने खड़े हो, जरा भी दया नहीं आती है। पत्थर की प्रतिमा बदल गई, राम की मूर्ति कृष्ण की मूर्ति बन गई है, इसको संत कहते हैं। मीरा कोई सामान्य नारी नहीं, मीरा बनने के लिए लोग लाइन में लगे हुए, हम भी मीरा बनेंगे, लेकिन मीरा बनने के लिए तो इतनी ताकत होनी चाहिए जो पत्थर को भी बदल दे। पत्थर को बदलने के लिए मीरा के जीवन चरित्र को पढ़ करके देखें, मीरा ने क्या भजन किया है। अंगूठी अपने आप मीरा के अंगुली से खुल गई, चूड़ी मीरा के हाथ से अपने आप खुल करके गिर गई। क्यों? भजन करते करते शरीर इतने दुबले हो गए, इतने दुबले हो गए, अंगूठी अपने गिर गई। एक दिन धोखे से मीरा अंगूठी को हाथ में पहन ली, चूड़ी की तरह, इतना शरीर दुबला हो गया कि अंगुली की अंगूठी चूड़ी बन गई। इतना भजन किया, उस भजन में ताकत है कि पत्थर को बदल दिया। बस मीरा का नाम लेकर के मीरा का फोटो बना देते हैं, उनके हाथ में घुंघरू पहना देते हैं, पैर में घुंघरू पहना दिए, लगे मीरा कूदने, पग घुंघरू बांधे मीरा नाची रे। मीरा घुंघरू बांध करके चौराहे पर कूद कूद करके भगवान कृष्ण को प्रसन्न करते थे। बस यही गीत गा रहे हैं और औरतें नाच रही हैं, इनको क्या है, नाचने की आदत है।
नाचना क्या है, परमात्म दर्शन से जो अंदर में दिव्य आह्लाद प्रकट होता है वह आह्लादकारी भजन ही अंदर का नृत्य है। हृदय नाच रहा है उस आनंद में, लोग शरीर से नाच रहे हैं, मेरा बंद है सब, पग घुंघर बांध मेरा नाची। देखिए मीरा का भजन, ऊंची अटरिया लाल केवरिया, निर्गुण सेज बिछे, निर्गुण निराकार के बिछावन पर मीरा विश्राम करती थी। यहाँ तो साकार की बात करते हैं, ऊंची अटरिया साकार भक्ति की जहाँ पराकाष्ठा है वहाँ निर्गुण का सेज बिछा हुआ है। ऊंची अटरिया लाल केवड़िया, निर्गुण सेज बिछी, पचरंगी झालर शुभ सो है, पांच रंग के झालर, पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, पांच तत्व के पांच रंग जो प्रकाश के हैं वो झालर लटक रहे हैं उस निर्गुण के सिंहासन। फूलन फूल कली, एक से एक दिव्य प्रकाश वहां प्रकट हो रहे हैं, फूलन फूल कली, बाजू बंद करुला शोभे, मांग सिंदूर भरी, कड़ा पहनते हैं नीचे, बाजू बंद पहनते हैं ऊपर। पंच इंद्रियों को वश में कर लेने वाली जो साधना है वह अंतर ज्योति की साधना है, और एक मन को वश में कर लेने की जो साधना है वह नादानुसंधान की साधना है। इन दोनों साधनाओं में परिपूर्ण होकर के उनका दिल शोभायमान हो रहा है। बाजू बंद करुला सोहे, मांग सिंदूर भरी। मीरा के पति तो खत्म हो गए थे, अब फिर मीरा कहती है मांग सिंदूर भरी, सिंदूर कैसे पहन रही है। मीरा को 2400 घंटे परमात्मा रूपी श्री कृष्ण के पति का अनुभव होता है, वे नकली पति मर गए, असली पति हमें 2400 घंटे दिखलाई देते हैं। अर्थात ब्रह्मांड में परमात्मा ज्योति का वो दर्शन करते हैं। मांग सिंदूर भरी, सेज सुखमणा मीरा सो है, सुबह है आज घड़ी, तेरो को है रोकन हार, मगन से आव चली, ऊंच अटरिया लाल केवरिया, निर्गुण सेज बिछी। ऐसी भक्ति भक्ति का यह स्वरूप है। हरि तोषण व्रत दिज सेवकाई, पहुंचे हुए संत की सेवा, परमात्मा को प्रसन्न कर लेने वाला सबसे बड़ा साधन है। और अब भगवान शिव शंकर काकभूषण जी से कह रहे हैं, सुनो बढ़िया से, एक बार तो मैंने माफ कर दिया, तुम्हारे गुरु ही ऐसे मिल गए, इनकी प्रार्थना से मैं प्रसन्न हो गया, तुम्हारे अपराध को मैं क्षमा कर दिया। अब जनी करहि विप्र अपमाना, अब यदि ऐसे संत का तो अपमान करेगा तो फिर माफ नहीं होगा। अब जनी करहि विप्र अपमाना, ब्राह्मण का अपमान मत करना, विप्र का, संत का अपमान मत करना। जाने हो संत अनंत समाना, संत जो होते हैं अनंत के समान होते हैं, परमात्मा के समान होते हैं, भगवान बोल रहे हैं। अब यहां पर आप क्या बताएंगे, बताइए तो, रामायण पढ़ रहे हैं, शिव जी बोल रहे हैं, अब जनी कर ही विप्र अपमाना, आज दिन से कभी भी संत का अपमान नहीं करना। जानेहु संत अनंत समाना, एक अर्थ संत जो होते हैं वे अनंत में समाये हुए होते हैं, दूसरा अर्थ संत अनंत के समान होते हैं, संत में और अनंत में कोई अंतर नहीं होता है। हे काकभूषण, आए दिन से संत को मनुष्य मत समझना, साक्षात अनंत है, साक्षात परमात्मा है, समझ लेना साक्षात शिव मेरे सामने संत के रूप में है।
संत को देखो और शिव को देखो एक ही बात है, जाने हो संत अनंत समाना। इंद्र कुलिश मम शूल विशाला, देवराज इंद्र का वज्र और मेरा विशाल त्रिशूल, काल दंड यमराज का दंड और हरि चक्र कराला भगवान विष्णु का भयंकर सुदर्शन चक्र। इन चारों से जो नहीं मर सकता, इन चारों से भले कोई बच जाए लेकिन पहुंचे हुए संत का अपमान करने से कोई बच नहीं सकता है। इन चारों से भले कोई बच जाए संसार में लेकिन विप्रद्रोह पावक सोजरई, पहुंचे हुए संत महापुरुष से द्रोह करने से कोई बच नहीं सकता है, उनकी रक्षा नहीं हो सकती है। अस विवेक राखो मनमाही, सब कुछ मैंने तुम्हें बता दिया लेकिन संत की महानता के विषय में जो मैंने तुम्हें बतलाया है, इस ज्ञान को कागज में लिख करके झोला में मत रखना। अस विवेक राखो मनमाही, ऐसे विवेक को अपने मन में धारण करके रखना। संत की यह महिमा है, महापुरुष की यह महिमा है। यदि संत को सबसे महान समझकर उनको दिल में बसा करके रखोगे तो तुम कहाँ जग दुर्लभ कछ नहीं, तुमको संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहेगा, सब कुछ सुलभ हो जाएगा। सबके लिए भले सब कुछ दुर्लभ हो जाए लेकिन जिन्होंने संत को अपने दिल में बसा लिया है उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं। आखिर में इतना कहते कहते भगवान शिव इतने अभिभूत हो गए, सुनो अब आखिर आखिर में आशीर्वाद देकर के अंतर्धान हो रहा हूं। और एक आशीषा मोरी, अप्रतिहत गति हो यही तोरी, अंतिम मेरा आशीर्वाद तुम्हारे लिए, मेरा यह अंतिम आशीर्वाद होगा, इससे बढ़कर क्या आशीर्वाद हो सकता है। अप्रतिहत गति हो यही तोरी, तुम जहां जाना चाहोगे कोई रोक टोक नहीं होगा। अयोध्या जाना चाहो, वृंदावन जाना चाहो, कहीं भी जाना चाहो, जो संत को अपने हृदय में बसा लेते हैं उनको सारी सृष्टि में कहीं आने जाने में रोक टोक नहीं। वृंदावन का दर्शन, अयोध्या का दर्शन, केदारनाथ का दर्शन, बद्रीनाथ का दर्शन, सारी सृष्टि में जितने भी धर्म स्थान हैं, पूज्य स्थान हैं, सारी सृष्टि के दर्शन का आनंद उसको घर बैठे प्राप्त होता रहेगा, उसको दर्शन में कहीं रोक टोक नहीं। अप्रतिहत गति हो ही तोरी, तुम जिनको भी देखना चाहोगे, जिनका भी दर्शन करना चाहोगे, दर्शन में कोई रोक टोक नहीं, कोई व्यवधान नहीं होगा। सुनी शिव वचन हर्ष गुरा एव मस्त इति भाव, भगवान शिव शंकर का ऐसा वचन सुन करके अब तक सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, आहा भगवान शिव शंकर तो मेरे शिष्य के पर कृपा की वर्षा कर रहे हैं, गुरु को बड़ी प्रसन्नता हो रही है। कलयुग में ऐसे ऐसे गुरु हैं जो शिष्य की उन्नति को देखकर जल भुनकर मर जाते हैं, लेकिन सच्चे गुरु जो होते हैं अपने शिष्य के उत्थान को देख करके बड़े आह्लादित होते हैं। आज हमारे शिष्य के ऊपर भगवान शिव शंकर औढ़रदानी न जाने कृपा की वर्षा किए चले जा रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। सुनी शिव वचन हर्षि गुरु एव मस्त इति भाग, ताज्जुब की बात है, वरदान दे रहे हैं शिव जी, एव मस्तु बोल रहे हैं गुरु जी। एव मस्तु का अर्थ होता है ऐसा ही हो, आपने जो जो कहा है हमारे शिष्य के लिए, जो जो आशीर्वाद दिया है, जो जो वरदान दिया है, ऐसा ही होना चाहिए, कम बेसी नहीं। अब जो आपने कहा है ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल अब कम नहीं इससे।
ज्यादा भले हो जाए कम नहीं होना चाहिए। एव मस्त इति वाक्य, कहीं आप कहते कहते आप हर हैं, अपने दिए हुए वरदान को हरण न कर लें, तो बीच में एव मस्त बोल गए। एव मस्त ऐसा ही होना चाहिए जैसा आपने इनके लिए कहा है। इतना कहने पर भी एव मस्त शिव जी को कह दिया, भगवान शिव अंतर्धान हो गए। अंतर्धान तो थे ही, आकाशवाणी हो रही थी, आकाशवाणी को ही कहा कि ऐसा ही हो। उसके बाद भी देखिए गुरु का अपने शिष्य के प्रति कितना प्रेम होता है। भगवान के कहने पर भी यदि मेरा शिष्य कभी भटक जाए तो फिर यही दुर्दशा हो। शिव जी ने तो इतना कह दिया, फिर भी ये मूर्खानंद बाद में मानेगा कि नहीं मानेगा। मोहि प्रबोधि गयो गृह शंभु चरण उर राखे। शिव जी के इतना कहने पर भी मोहि प्रबोधि, एक तो होता है बोधि ज्ञान देना, और प्रबोधि का अर्थ आत्मज्ञान देना। शिव शंकर ने तो भक्ति का ज्ञान दिया, भक्ति का ज्ञान देकर के वो गुप्त हो गए। गुरु में ताकत है आत्मज्ञान देने का। शिव जी ने भक्ति का ज्ञान दिया और गुरु जी ने मोहि प्रबोधि गयो गृह शंभु चरण राख। गुरु ने आत्मज्ञान दिया, प्रबोधि विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान कहते आत्मज्ञान को। भगवान शास्त्र का ज्ञान, भक्ति का ज्ञान, वैराग्य का ज्ञान ये देते हैं। पहुंचे हुए संत सदगुरु प्रसन्न होकर आत्मज्ञान प्रदान कराते हैं। मोहि प्रबोधि गयो गृह शंभु चरण राख। भगवान की करुणा को, भगवान की चरणारविंद को हृदय में धारण करके गयो गृह। पहले तो वर्णन हुआ था, वे ब्राह्मण श्रेष्ठ शिव जी के मंदिर में दिन रात रहते थे, अब किस घर में गए। घर में जाने की बात कहाँ से आ गई। परम साधु परमार्थ विंदक शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। वे तो परम साधु थे, परमार्थ तत्व के ज्ञाता थे, वे घर काहे के लिए फिर गए। गृहस्थी महात्मा होते हैं को जो घर आते जाते हैं, संसारी महात्मा होते हैं जिनका आधा दुनिया से लगाव है, आधा भगवान से लगाव है। संसारी महात्मा लोग कभी घर जाते हैं, कभी आश्रम में आते हैं, कभी घर कभी आश्रम। जो सच्चा साधु होते हैं उनका कोई घर नहीं होता, वे तो भगवान के घर में निवास करते हैं। वे गुरु कहाँ गए जो परमार्थ बिंदक थे, परमार्थ तत्व के ज्ञाता, जिनको परम अर्थ का ज्ञान हो गया। वे किस घर में गए। शिष्य को आत्मज्ञान कराकर शिष्य के हृदय रूपी भवन में ही वे सदगुरु जाकर लीन हो गए। गुरु और शिष्य एक हो गए। शिष्य के अर्थात आत्मज्ञानी, जिस शिष्य को आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है, आत्मज्ञानी शिष्य के अंदर ही गुरु जाकर के लीन हो जाते हैं। गुरु और शिष्य एक हो गए। प्रसंग थोड़ा बढ़ता है। प्रेरित काल बिंद गिरी जाय भयो में व्याल पुन प्रयास बुन सो तनु तजो गयो कछु काल। भगवान शिव के कथनानुसार सापानुसार मेरा वह शरीर खत्म हो गया, नरक में मैं नहीं गया। भगवान बोले थे जो गुरु से ईर्ष्या कहते हैं करते हैं वो कोटि युग नरक में पड़ते, मैं नरक में नहीं गया। करोड़ों युग तक रौरव नरक में जाने की जो बात थी, उस नरक को भी भगवान शिव ने माफ कर दिया। और मैं सीधा उस शरीर से छूटकर विंध्याचल पहाड़ पर
जहाँ पुलह ऋषि का आश्रम है, संत का आश्रम है, उस आश्रम के पास ही एक खोडर में अजगर सांप के शरीर में रहने लगा। और कब मेरा शरीर छूट जाता था, कब मुझे नया शरीर मिल जाता था, मुझे कभी पता ही नहीं चला। 1000 बार कब कब मुझे शरीर मिला, कब कब शरीर छूटता गया, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। जो शरीर को धारण करता उसी को छोड़ देता, जो तनु धरऊ तजऊ पुनि अनायास हरि जान। ये गरुड़ अनायास ही शरीर छूट जाता, शरीर मिल जाता, हमें जरा भी जन्मने मरने का कुछ कष्ट हुआ ही नहीं। जैसे कोई नया कपड़ा पहन लेता है, पुराना कपड़ा को खोल कर रख देता, वैसा ही मुझे शरीर मिलता रहा, छूटता रहा। गुरु की कृपा से इतना बड़ा दुख से छुटकारा हो गया। शिव जी ने वेद की मर्यादा रखी, जो गुरु का अपमान करता है उनको यह कष्ट भुगतना ही पड़ता है, लेकिन गुरु की कृपा से मुझे कोई क्लेश नहीं हुआ। और बहुत बाद में 1000 जन्म जब पूरा हो गया, तब ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ और शिव जी की कृपा से हमारे अंदर में राम की भक्ति जागृत हो गई, परमात्मा की भक्ति जागृत हो गई। अब मैं परमात्म ज्ञान पूर्ण रूपेण प्राप्त करने के लिए जहाँ था ऋषि मुनियों के पास जाता रहा। इसी क्रम में लोमस ऋषि से हमारी भेंट हुई। लोमस ऋषि से भगवान के सगुण साकार रूप का वर्णन मैं पूछने लगा। भगवान के सगुण साकार रूप की महिमा आप सुनाओ। सब लोग तो निर्गुण निराकार की बात करते हैं, मैं आपसे सगुण साकार भक्ति के विषय में पूछता हूँ। वे बड़े तत्वज्ञानी महात्मा लोमस ऋषि, वे बारम्बार कहते साकार बदल जाता है, साकार में जो समाया होता है वो भगवान है, वो निराकार भगवान का स्वरूप है। तो साकार को ही भगवान मानता है, आकार प्रकार तो माया का होता है, आकार प्रकार से जो रहित हैं वे ब्रह्म हैं। तो लोमस ऋषि बारंबार निराकार का वर्णन करे, ये साकार का वर्णन करे, अति संघर्षण करे, जो कोई अनल प्रगट चंदनते होई। संत वास्तविक भक्ति के विषय में, भगवान के वास्तविक स्वरूप के विषय में बतलाते थे, ये साकार पर ही दुराग्रह कर रहे थे। आप साकार के विषय में बतलाओ, साकार के विषय में बतलाओ। और वे संत कैसे अपने शिष्य को, कैसे भक्त को भ्रमित कर सकते हैं, बारंबार कहते साकार आकार प्रकार वाला जो रूप है वह मायामय रूप है, वह ब्रह्म नहीं है। उस रूप को जिन्होंने धारण किया है वो ब्रह्म है, उसकी आराधना करो, उसकी पूजा करो। लेकिन ये मानने को तैयार नहीं। तब लोमस ऋषि ने उनसे कहा कि मूर्ख, तुम्हारा मन स्थिर नहीं, तुम्हारी बुद्धि स्थिर नहीं। जैसे चांडाल पक्षी कौवा सबसे डरते रहता है, भयभीत होते रहता है, कभी स्थिर नहीं होता, उसी तरह से तुम्हारा जो मन स्थिर नहीं है, चित्त स्थिर नहीं है। तो निर्मल निराकार स्वरूप परमात्मा को जानना नहीं चाहता, तो मायामय मलिन स्वरूप को ही पहचानना चाहता है। तो मायामय मलिन स्वरूप का ज्ञान जो तू बारंबार प्राप्त करना चाहता है, इसीलिए तुम्हारा अंतःकरण कौवा की तरह मलिन हो जाएगा। और सगुण साकार की आराधना उपासना करने से जन्म मरण का भय कभी खत्म नहीं होता है। सबसे भयभीत रहने वाला कौवा तो बन जा। काक होने का साप दे दिया। लेकिन काग वसंत जी कहते हैं, गरुड़ सदगुरु जो हमारे ऊपर प्रसन्न थे, इसीलिए लोमस ऋषि के साप से हमें कोई भय नहीं हुआ। मैं वहां से उड़ चला, तभी सारे से लोमस ऋषि ने बुलाया, सुन सुन इधर। फिर से मैं उनके पास गया। लोमस ऋषि को मन में हुआ
ये बड़ा ही आज्ञाकारी भक्त है, इनको जरा भी मेरे साप से दुख नहीं हुआ। यथार्थ में साकार की उपासना किए बगैर तो निराकार का ज्ञान हो नहीं सकता। मैं तो एक ही बार में पीएचडी की शिक्षा देने लग गया, यह ठीक ही कह रहा था। बिना साकार की उपासना किए निराकार का ज्ञान नहीं हो सकता। किसी न किसी साकार रूप का आधार लेकर धीरे धीरे वहां से भक्ति का आरंभ करे और अंत में साकार में जो निराकार समाया हुआ है वहां तक पहुंचे, तब भक्ति पूर्ण होती है। ये तो जिद सही कर रहा था, लेकिन मैं अपने धुन में था, क्योंकि मुझे तो निराकार को छोड़कर कुछ दिखता ही नहीं। मैं अपनी अनुभूति को इस साधारण जीव में सौंपने लग गया। अच्छा, सही में तू भगवान का भक्त है, भगवान को पूर्ण रूप में जानना चाहता है, तुम्हारे में योग्यता नहीं है, इसीलिए उस बात को मानने को तैयार नहीं था। नियम तो यही कहता है जो तू कह रहा था, साकार के बिना निराकार की प्राप्ति नहीं होती। चलो, आज मैं तुमको बालक रूप राम कर ध्यान करने के लिए बतला देता हूँ। भगवान राम के बाल रूप का तुम ध्यान कर, भगवान का नाम जपने के लिए बतला दिया, सगुण साकार उपासना करने के लिए बतला दिया, कहा कि यही उपासना करते करते एक दिन निर्गुण निराकार स्वरूप ब्रह्म का तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। और मैं भी अब आशीर्वाद देता हूँ, तो जहाँ रहेगा एक योजन पर्यंत वहाँ अविद्या नहीं व्यापेगी, तुम्हारा ब्रह्म। तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान किसी भी काल में नष्ट नहीं होगा। इतना आशीर्वाद लोमस ऋषि से भी प्राप्त हुआ। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़, मैं अपने सदगुरु की कृपा से आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ, भजन करता हुआ, अंततः ब्रह्म के शाश्वत स्वरूप को प्राप्त कर लिया। था क्यों सब करि करम गुसाई, सुखी न भयो अवहि की नाई। अब मैं जितना प्रसन्न हूँ, अब मैं जितना सुखी हूँ, पहले कभी भी उतना प्रसन्न, कभी भी उतना सुखी नहीं हुआ। मुझे जो इस शरीर से, इस काक शरीर से भगवान के शाश्वत स्वरूप का बोध हुआ, इसीलिए हमको यह शरीर बहुत प्यारा है। तूने मेरे से पूछा था, महाराज आपने काक का शरीर कैसे प्राप्त किया, वह तुम्हारे सारे प्रश्न का उत्तर कहीं संक्षेप से कहीं विस्तार से मैंने दिया है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी भी ऐसी दुर्दशा हो। मेरे कथनानुकूल तू भी भजन करेगा तो तुम्हारा मोह भंग हो जाएगा, तुम्हारा मोह नष्ट हो जाएगा। अब इस कथानक के रूप में तुम्हें जो उपदेश दिया है, उस उपदेश के अनुरूप आचरण करना। गरुड़ जी काकभूषण जी को प्रणाम करके वे भी वैकुंठ गए, लेकिन वैकुंठ जाने से पहले काकभूषण जी का एक वचन जो है बड़ा ही हम लोगों के लिए उपदेशात्मक है। हे गरुड़, गुरु की कृपा से अब कोई सुख कोई आनंद पाने को बाकी नहीं। 2400 घंटे आनंद में मैं रहता हूँ, लेकिन एक दुख हमारे हृदय से कभी भी नहीं जाता। एक सूल मोहि विसरन काउ, आनंद का कोई ठिकाना नहीं, ब्रह्म का दर्शन प्राप्त हो चुका है, लेकिन एक दुख हमारे दिल से कभी जाता ही नहीं। गरुड़ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, भगवान का दर्शन होने पर भी एक दुख रह गया, वह कौन सा दुख है जो आपके दिल से कभी नहीं जाता। एक सूल मही विसरन काऊ, गुरु कर कोमल शील स्वभाव। मेरे जैसे नीच शिष्य गुरु का कोई भी अपमान करने को बाकी नहीं रखा था, और वे हमारे सदगुरु इतने दयालु इतने कृपालु थे, मेरा कल्याण करने के लिए उन्होंने एक कर्म भी नहीं छोड़ा। जब ऐसे सदगुरु की कृपालुता और दयालुता की याद आती है
और उस सदगुरु का जो मैंने अनादर किया अपनी करनी की याद आती है तो वह दुख हमारे दिल से जाता ही नहीं। गुरु की एक तरफ कृपा और उस गुरु के प्रति जो मेरा व्यवहार रहा वह दुख हमारे दिल से कभी नहीं जाता। एक शूल मोहि बिसरन काओ गुरु कर कोमल शील स्वभाव। यद्यपि भगवान शिव की नगरी में एक महीने का यह आयोजन हुआ लेकिन शिव तत्व को समझने के लिए गुरु तत्व को समझना पड़ता है, इसीलिए मैंने भगवान शिव की नगरी में गुरु की महिमा को एक महीने तक सबको सुनाए। आप लोगों ने बहुत श्रद्धा के साथ प्रेम के साथ इस विषय का श्रवण किया है, बहुत बड़ा पुण्य का काम किया। यद्यपि जितनी व्यवस्था होनी चाहिए थी उतनी व्यवस्था आप लोगों की नहीं हो पाई, जहाँ तक बना वहाँ तक हमारी समिति के जितने भी सेवकगण हैं व्यवस्था करने में कसर नहीं रखे, फिर भी रहने में भोजन प्रसादी में किसी भी तरह का कष्ट किसी को हुआ होगा तो मैं कहूँगा कि सारे कष्ट को यहीं भूल करके जाएंगे। अवश्य ही महातपन में आप लोग रहे, इतनी आग बरस रही थी दिन में फिर भी उस तपन को बर्दाश्त करके यहाँ रहे। हम तो गुरु महाराज से आप जैसे तपस्वियों के लिए प्रार्थना करते हैं, इस तपन रूपी तपस्या के फल से दैहिक दैविक भौतिक ये जो महातपन है वो आप लोगों का शांत हो जाए। जिस किसी ने भी तन मन धन से सहयोग देकर इस महत्तम ज्ञानमय यज्ञ को सफल किए हैं बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत शुभकामना मंगल कामना करते हैं। गुरु महाराज सब जानते हैं किसका किस तरह का सहयोग रहा है, गुरु महाराज उनको उसी हिसाब से आशीर्वाद प्रदान करेंगे। समस्त भक्तों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए उत्थान के लिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ। यहाँ उज्जैन नगरी के हमारे एक से एक दिव्य सहयोगी भक्तगण हैं, दवे जी हैं, सुरेश द्विवेदी जी हैं, इन सब का इतना सहयोग अपने घर के आयोजन की तरह सारी व्यवस्था में जुटे रहे। इस स्थान का जो आवंटन हुआ इन सब के ही सदप्रयास से सब तरह की व्यवस्था में दिन रात परिवार बनकर जुड़े रहे। मैं यहाँ के सारे भक्त वृंदों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हैं, मंगल कामना करते हैं। जिस किसी भी तरह से इस यज्ञ में जिन्होंने तन मन धन की आहुति दी है सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना मंगल कामना करते हुए मैं इस सत्र का प्रवचन कार्यक्रम समाप्त करता हूँ। हमारे गायक जी से एक भजन आप लोग सुन लीजिए, उसके बाद दो आध्यात्मिक आरतियाँ होंगी। आज 7 बजे से 8 बजे ध्यान का कार्यक्रम होगा, 8 बजे से स्तुति भजन कीर्तन का कार्यक्रम होगा, उसके बाद यह यज्ञ पूर्ण माना जाएगा। अभी थोड़ा सा एक सत्र ध्यान का एक सत्र सत्संग का बचा हुआ है, वह भी आप लोग पूर्ण करके जाएंगे, इस यज्ञ का पूर्ण लाभ आप लोगों को प्राप्त होगा। भजन सुनिए श्री सद्गुरु महाराज की।